दोस्तों आपका स्वागत है YouTube चैनल पे क्या स्टडी नंबर वन पे। आप देखिए, आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन आया है कि ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल है, जो कि आपका टॉपिक है ब्रिज से, है ना। तो आप लोग से मैं कहना चाहूंगा कि जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, उन लोगों पे शेयर करें, ठीक है। दोस्तों जाते हैं टॉपिक की ओर। देखिए टॉपिक क्या है कि क्वेश्चन बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 सेमी, कितना सेमी? 12 सेमी। उस सुई द्वारा 35 मिनट में घेरे गए क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोल रहा है इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले वीडियो पे बने रहे, वीडियो स्किप ना करेंगे। वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्या बोला है कि सुई की लंबाई, बोला है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, समझ में आया? घड़ी की समझ रहे हैं ना, घड़ी किस आकार में रहता है? ब्रिज के आकार में। जब ब्रिज के आकार में जब रहता है, ये आपका सुई हो गया, ये भी आपका सुई हो गया, तो ये 12 सेमी है, तो ये तो आपका भी 12 सेमी हो जाएगा। तो 12 सेमी हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो ये आपका त्रिज्या कहला गया। क्या हो गया? कहला गया त्रिज्या, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ सुई समझ लीजिएगा कि सर आप बोल रहे हैं सुई, तो डॉक्टर भी सुई देता है ना, तो डॉक्टर सुई देता है, तो डॉक्टर के बात नहीं हो रहा है, ब्रिज के बात हो रहा है, घड़ी की सुई है ना। तो सबसे पहले, है ना, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि चूंकि घड़ी की सुई, मतलब घड़ी की सुई की लंबाई, लंबाई बराबर कितना हुआ दोस्तों? 12 सेमी, है ना। समझ में आ गया? तो सबसे पहले समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे कि ब्रिज का क्षेत्रफल हो रहा है, ब्रिज का क्षेत्रफल, है ना। तो ब्रिज का क्षेत्रफल मतलब क्या? घड़ी का क्षेत्रफल, वही समझेगा ना। तो ब्रिज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 22/7 लिख देंगे पाई का मान दोस्तों। उसके बाद लिख देंगे आर, तो 12 गुना 12, समझ गया ना। यहाँ सबसे पहले देख लेंगे कि इतना आ गया। अब बोलेंगे 60 मिनट में कितना होगा दोस्तों? ये तो आपका एक चक्कर लगाएंगे तो 60 मिनट लगेगा, तो कितना होगा? यहाँ देखो कि इतना 12 गुना इतना हो गया, 22/7 × 12 × 12 इतना हो गया। अब करेंगे एक मिनट निकालेंगे दोस्तों, है ना। वीडियो पे बने रहेंगे, वीडियो देख के भाग छोड़ के भाग जाएंगे ना, तो समझ में नहीं आएगा। देखिए एक मिनट में जब निकालेंगे, तो जब एक मिनट में निकालेंगे ना, तो यहाँ देखिए इसको गुना में ले जाएंगे। क्या चीज में? गुना में। तो क्या होगा कि गुना में नहीं बटा में जाएगा, है ना। तो आप लोग देखते रहे, 12 × 12 कितना हो जाएगा? 60 होगा, है ना। एक मिनट निकल गया, अब कितना निकालना है? 35 मिनट में। तो 35 मिनट में निकालिएगा, 35 मिनट बराबर क्या होगा दोस्तों? 35 मिनट बराबर क्या होगा? 22/7 × 12 × 12 हो जाएगा 35/, यहाँ हो जाएगा 60, ठीक है दोस्तों। इतना मिनट में निकालेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? काटेंगे। तो देखिए काटेंगे तो क्या होगा? 7 × 5 = 35, 5 × 12 = 12×5 = 60, 12 × 12 कट गया। अब होगा 12 × 22 = 12 होगा, है ना। तो आप गुना कर देंगे तो 12 × 2 = 24 हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा? 12 × 2 = 24 हो जाएगा, और 12 × 2 = 24 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, है ना। आ गया ना समझ में? तो फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, वीडियो पे बना रहे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल 770 सेमी² है ना। तो यदि बाह्य वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बोल रहा है ज्ञात करने के। ओह माय गॉड, क्या क्वेश्चन कह रहा है, है ना। क्वेश्चन सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले देखेंगे क्या कह रहा है, क्या समझेंगे, कैसे करेगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि दो संकेंद्रीय, है ना, दो संकेंद्रीय देखे ना, कुआं
कुआं के चारों ओर जो रास्ता रहता है वो आपका रास्ता हो गया, और जो चारों तरफ जो रहता है एक हो जाता है, और जो कुआं है एक वृत्त हो जाता है ना। तो सबसे पहले इसमें एक छोटा वृत्त, इसको बोलते हैं अंत। क्या बोलेंगे? अंत मतलब अंदर वाले। क्या बोलेंगे? अंदर वाले। उसके बाद बाह्य वृत्त बोल रहा है। बाह्य में वृत्त मतलब जो बाहरी में है ना, उसको बोलेंगे बाह्य वृत्त। क्या बोलेंगे? बाह्य वृत्त बोलेंगे, है ना। तो सबसे पहले समझ गए कि बाह्य वृत्त और अंत वृत्त की समझ गए। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि भाग अंत मतलब की बोल रहा है संकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, है ना। इसके घिरे भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ, मतलब रास्ता का क्षेत्रफल भी दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे इसको बोलते हैं बलय, एक तरह से उसको बोल सकते हैं बलय बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसका क्षेत्रफल दिया 770, तो इसमें बाह्य वृत्त और क्या त्रिज्या भी दे दिया है 21 सेमी। यहाँ से यहाँ तक इसको कितना दे दिया है, मतलब 21 सेमी दे दिया है, ठीक है, समझ गए। अभी इसको हम बोल सकते हैं बड़ियार। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? बड़ियार बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि माना माना कि छोटे, हाँ छोटे समझ लेंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना होगा, मान लेते हैं आर, मान लेते हैं छोटी आर, है ना। तो दिया तो नहीं है, मानना पड़ेगा। और बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, बड़ी आर मान लेते हैं, है ना। मान लिए, मानने में तो कुछ नहीं जाता, तो मान लीजिए। तो सबसे पहले यार मान लिए, अब क्या कह रहा है कि जो दिया है क्षेत्रफल किसका दिया हुआ है, दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच, है ना, घिरे भाग का क्षेत्रफल, जो संकेंद्रीय वृत्त है इसका क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो समझ लेंगे कि यहां देखिए संकेंद्रीय, दो संकेंद्रीय संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको हम समझ लेंगे एक तरह से बलाई का क्षेत्रफल, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल एक तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ इसका सूत्र होता है कि पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले इसका बराबर दिया है 21 सेमी, कितना सेमी, 21 सेमी, है ना। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, 770 दिया हुआ है, दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है दोस्तों, 770। घबराइएगा नहीं, YouTube चैनल पे बने रहे, है ना, वीडियो स्किप ना करेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो देखिए पाई का मान लिख देंगे 22/7 दोस्तों, और बड़ी आर है 21 का स्क्वायर होगा और आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यह समझ में आ गया। तो चलिए उसके बाद क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब 770 हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा, और इस जब गुणा में है तो इसको बटा में ले आइएगा, तो बटा में ले आइए 22 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441। आ गया ना समझ में, देखिए आर स्क्वायर आ गया। तो सबसे पहले यहाँ क्या क्या करेंगे, इसको काटेंगे 11 × 22, 11 से काटे मतलब जो काटेंगे सेम अंक से काटना पड़ेगा, ठीक। तो 11 × 22, 11 × 77, है ना, 10 है, 10 उतार दिए, 35 × 70 काट दिए, कर दिया ना। अब यहाँ क्या हो गया कि 35 हो गया, गुना करेंगे 7 बराबर हो जाएगा 441 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। हमको ज्ञात करना क्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, है ना। तो वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले 35 × 7 करेंगे, तो 35 × 7 करते हैं तो 5 × 7 = 35 के 5 होता है, और 7 × 21, है ना, 21 और 3 कितना हो जाता है 200, मतलब गुना करेंगे 21 और 3 = 24 हो जाता है, 245 हो गया, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, 441 माइनस आर स्क्वायर हो गया। अब आर स्क्वायर जब हो गया दोस्तों, तो सबसे पहले इसको इधर ले आएंगे, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 441 माइनस 245, है ना। तो इसको जब माइनस करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए क्या है, है ना, तो 441 में से 245 चला जाएगा, तो 11 बचे मतलब एक में से 5 तो जाता नहीं है, तो एक पैचा लेना पड़ेगा, है ना। तो एक ले लीजिए पैचा, दूसरे नहीं देगा तो झगड़ा करना है ना, तो क्या दे दीजिए,
ले लेंगे तो क्या है 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया मतलब इसमें माइनस कीजिएगा तो 196 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या है कि r बराबर करेंगे तो स्क्वायर ऊपर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों रूट में, है ना, इसको एक कड़ी बोल सकते हैं, कड़ी में चढ़ जाता है, है ना, है तो कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल 196 का वर्गमूल हो जाता है 14 सेमी। ठीक है दोस्तों, इसलिए मतलब अंतर्वृत्त की त्रिज्या छोटी r माने इसलिए इतना आपका आंसर हो गया, है ना। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, लाइक करें सब्सक्राइब करें और उन लोगों पे शेयर करें, बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस करें ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। ठीक है दोस्तों।